यस मलिष्का, सोनल इज द सॉल्यूशन। सोनल ही वो रास्ता है जो ऋषि को एक बार फिर तुम्हारे पास वापस लेकर आ सकता है। ये आंटी ऐसा क्यों बोल रही है? कहीं उन्हें ये तो नहीं पता चल गया कि मैं बलविंदर की हेल्प ले रही थी? मैंने बहुत कुछ किया है ऋषि और लक्ष्मी को अलग करने के लिए, पर अभी तक सक्सेसफुल एक भी प्लान में नहीं हुई। सो इट मीन्स मलिष्का वॉज राइट। सच में आंटी भी यही चाहती है कि ऋषि और लक्ष्मी की शादी टूट जाए और ऋषि की शादी मलिष्का से हो जाए। आंटी आप ये क्या कह रहे हैं? आंटी मैं बिना मलिष्का को कब से यही बात समझा रही थी कि ऋषि तेरा है और सिर्फ तेरा ही रहेगा। लुक एट मलिष्का, वो कितनी अपसेट हो चुकी है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू ना, शी इज ऑलमोस्ट गिवन अप। उसने हार मान ली है, उसने तो ये समझ लिया है कि ऋषि उसका कभी हो ही नहीं सकता। मलिष्का व्हाट, तुम हार नहीं मान सकती? ओके हाँ करू, ये लक्ष्मी ना पीछा ही नहीं छोड़ दिया ऋषि को, उसका जोक की तरह चिपकी हुई है उसके साथ। पता नहीं बहुत चला के आंटी, आई एम टेलिंग यू सब कुछ फेल हो रहा है। मैं जो भी कर रही हूं ना कुछ वर्क की नहीं। सो व्हाट, हार मान लोगी तुम? मलिष्का यू हैव टू फाइट, तुम्हें तो और ज्यादा कोशिश करनी पड़ेगी। और अब तो सोनल है तुम्हारे साथ, जब दो इंटेलिजेंट दिमाग एक साथ होंगे ना तो उस कुमार लक्ष्मी को मात दे सकते हैं। मलिष्का आई नो कि तुम एग्जॉस्टेड हो, बट मैं अब जानती हूँ कि सोनल तुम्हारे साथ है और ये तुम्हारा काम कर देगी। सोनल तुम्हारी दोस्त को तुम्हारी जरूरत है, इसकी हेल्प करोगी ना? ऑफकोर्स आंटी, ऑफकोर्स करूंगी। एंड यू नो वाई आंटी? बिकॉज मैंने ना एक सपना देखा है कि ऋषि और मलिष्का की शादी में मैं डांस कर रही हूँ। बट टू बी वेरी फ्रैंक विथ यू आंटी, मैं जब यहाँ आ रही थी तो मुझे लगा था कि ऋषि और मलिष्का उनकी शादी तो हो चुकी होगी, पर यहाँ आके तो मुझे कुछ और ही दिखता है कि ऋषि की शादी मलिष्का से नहीं, किसी उस कुमार से हुई है। एग्जैक्टली, और उन दोनों के बीच में ना कोई तालमेल है, ना कंपैटिबिलिटी है, ना बराबरी है, कुछ नहीं है। और वो लक्ष्मी, वो तो ऋषि के लायक भी नहीं है। नाउ आई नो दैट हमारा ऋषि बहुत अच्छा है, इज अ नाइस गाय, शायद अपनी शादी निभा रहा होगा, पर प्यार इम्पॉसिबल है। यू आर राइट सोनल, मैं और नीलम भाभी तो कब से इसी बात का इंतजार कर रहे हैं कि कब हमारे घर की बहू मलिष्का बनेगी, और इस घर की बहू सिर्फ और सिर्फ मलिष्का ही बनेगी। पर अब क्या फायदा आंटी, क्योंकि अब तो मुझे भी ऐसा फील हो रहा है कि ऋषि लक्ष्मी से प्यार करने लगा। आई कैन सेंस इट, मुझे फील हो रहा है आंटी, आई एम टेलिंग यू दैट। नो मलिष्का, ऐसा बिल्कुल नहीं है, उन दोनों के बीच प्यार हो ही नहीं सकता। शी इज एब्सोल्युटली राइट मलिष्का। एग्जैक्टली आंटी, देखो सिंपैथी, दया, ये सब कुछ हो सकता है, लेकिन प्यार कभी नहीं। बताओ ना आयुष, क्या छुपा रहे हैं हम? ऋषि तुमको छुपा रहे हो? मैं क्यों छुपाऊंगा, मैं कुछ नहीं छुपा रहा हूँ। ये कुछ बोल रहा है ना, ऐसा खुद ही कह रहा है। कुछ नहीं छुपा रहे? अच्छा ठीक है, बात बताओ फिर मुझे, ये क्या है? What is this? क्या दिख रहा है? ये तो जासूसी कर रहा है क्या हमारी? हुँ? फोटोज खींच रहा है छुप छुप के। नहीं यार ऋषि भाई, दिस इज माई फर्स्ट, ये पहली फोटो है, मैं सबूत इकट्ठे कर रहा हूँ। सबूत? और इकट्ठे कर रहा है? अरे पर किस चीज के सबूत? सबूत इस फोटो में आप दोनों के बीच में क्या है वो दिख रहा है। Look at this. ध्यान से देखो। क्या ऐसा तो कुछ भी नहीं दिख रहा है इसमें, क्यों लक्ष्मी? हाँ कुछ भी तो नहीं है फोटो में, क्या दिख रहा है? कुछ नहीं दिख रहा, केयरिंग है, ऐसे पति पत्नी जैसे केयर करते हैं, वही है बस। और क्या है इसमें? और क्या, और क्या? सिर्फ दोस्ती दिख रही है इसमें, उससे ज्यादा कुछ नहीं दिख रहा। तुम्हें दिख रहा है? नहीं और क्या? परफेक्ट, महान आत्माएं हो आप दोनों, आज मेड फॉर ईच अदर, यू परफेक्ट, ऐसे ही साथ में लगे रहो। कुछ नहीं दिख रहा है इनका फोटो में, समझ नहीं आता। बलाए लगी तो नहीं आपको? क्या क्या बताओ, दोस्ती के अलावा भी कुछ और है क्या तुम्हारे दिल में?